अभी थोड़ा सा और आगे हम पहुंच चुके, जस्ट अभी अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे एंट्री है, यहाँ से एंट्री मतलब एंट्री करना पड़ेगा। जो भीड़ Hey guys, welcome back to my channel। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सो मस्त होंगे। तो आज का व्लॉग कुछ हटके होने वाला है। आज हम लोग जाने वाले हैं तो आप लोग कुछ चीज़ दिखाने वाले हैं और काफ़ी अलग होगा, तो ये थोड़ा सा सरप्राइज़ है आप लोग के लिए। तो जस्ट चलते हैं, अभी फिलहाल फ्रेंड आने वाला है, फ्रेंड के साथ निकलता हूँ, तो मिलते हैं गाइस। चलो तो गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं और धूप भी बहुत तेज़ है, लेकिन चलो देखते हैं। तो गाइस फिलहाल अभी निकल रहा हूँ मैं यहाँ से और मेरे साथ दोस्त भी आ चुका है। तो जैसे कि हम लोग बोल रहे थे कि अभी हम लोग निकलने वाले, तो अभी हम लोग जो सरप्राइज़ था ये है कि गणपति देखने वाले हैं और लालबाग का, जैसे कि बड़ी बड़ी मुंबई की फेमस। तो चलो गाइस तो चलते हैं फिलहाल, तो डायरेक्ट स्पॉट पर वहीं पर मिलेंगे। सो गाइस अभी फिलहाल हम लोग जो है रुके हुए और बस स्टॉप पर है, तो बस से जाने वाले और विथ लोकल ट्रेन का मज़ा लेते हुए लालबाग और सेंट पब्लिक राजा जो भी जो बड़े बड़े हैं वो देखेंगे। फिलहाल अभी बस स्टॉप पे है तो आई जल्द फिलहाल चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम लोग जो है पहुंच चुके हैं अंधेरी के साइड में और अंधेरी का जो एरिया है वहाँ पे आपको स्टेशन भी दिखेगा, देख रहे हो। यहाँ पे होटल भी प्रसादम होटल काफ़ी फेमस है, आके यहाँ पे खाना वगैरह खा सकते हो। फिलहाल तो अभी हम लोग चल रहे हैं यहाँ, अभी हम लोग को वेस्ट साइड में जाने का है। देखो गाइस कितनी पुरानी ट्रेन, कितने साल पुराने है, देखो सब सो रहे इसके अंदर। देखो गाइस अभी हम लोग विदाउट टिकट यहाँ पे आ गए हैं। अभी देखो पैसा बंदा लेके आया साथ में विदाउट टिकट, लोकल ट्रेन के इसमें घुमवा रहा है। फिलहाल तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और अंधेरी से आ रहा था देखने के लिए, काफ़ी उत्साह। मुंबई का जो देख रहे, मुंबई की लोकल पब्लिक काफ़ी भीड़, आज छुट्टी के दिन भी भीड़ है, देख रहे हो मुंबई की लोकल पब्लिक। और यहाँ पे हर कोई ऐसे भागते हुए दिखेगा आपको, मतलब इतना मतलब ये होता है ना यहाँ पे, एक एक मिनट किसी का टाइम नहीं होता है। मुंबई की दुनिया है, सपनों की नगरी बोलते हैं। तो अभी ये देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं वेस्ट के साइड में और अभी हम लोग जो है यहाँ से जाएंगे। तो हम लोग अभी जैसे पहुँच चुके हैं वेस्ट के साइड में, वेस्ट का एरिया, यहाँ से बस देखेंगे या तो फिर पैदल जाएंगे, देखते कैसे जा सकते हैं अभी हम लोग। तो फ्रेंड्स अभी जैसे कि यहाँ से देखो आप लोग जो के साइड जा सकते हो और यहाँ से बस भी अवेलेबल है, तो बसेस वगैरह लेके आप जू के साइड मरुण आगरा के साइड जा सकते हो। यहाँ से वैष्णो एक्सप्रेस हाईवे और देखो पूरा डेपो ही है यहाँ पे, तो फिलहाल अभी आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अभी जैसे कि यहाँ से हम लोग जा रहे हैं और ये वर्सोवा के साइड वाला रोड है, यहाँ से आगे से आप लोग लेफ्ट लोगे तो वर्सोवा के दे भी जा सकते हो और काफ़ी मतलब अलग दृश्य वैसे नज़र आ रहा है। फिलहाल तो छुट्टी के दिन में भी मतलब काफ़ी लोग हैं और बसेस वगैरह यहाँ से अवेलेबल है, जैसे कि 202 नंबर, 56 नंबर, अलग अलग बसेस, 203 नंबर, सब अंधेरी जुहू के साइड में भी जाती है, जुहू से भी आती है। तो गाइस अभी फिलहाल हम लोग को दो तीन जगह जाना है, तो देखते हैं पहुंच पाते हैं कि नहीं। अभी तो फिलहाल 2 बज रहे हैं लगभग और हम लोग चल के ही जा रहे हैं यहाँ से, तो देखते हैं। ऐसे तो 20-25 मिनट ही लगने वाले, लगभग 2 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स अभी जैसे पहुंच गए हम लोग, ये अंधेरी का आज़ाद नगर है और मेट्रो स्टेशन के साइड में पहुँच चुके हैं हम लोग। जस्ट मतलब पैदल ही निकल रहे हैं हम लोग, पहले प्लान किए छोटे बस से जाएंगे लेकिन 2 किलोमीटर के दायरे, फिर हम लोग सोचे पैदल ही निकल जाते हैं। अभी देखते हैं, अभी तो चल ही रहे हैं। तो गाइस देख रहे हो अभी पहुंच चुका हूँ और ये डेकोरेशन वगैरह किया हुआ है, तो ये विदित होता है कि मतलब यहीं पे जो मंडप है अंधेरी का राजा, तो अभी फिलहाल चल रहा है। ये है गेट एंट्री, यहाँ पे अभी हम लोग अंदर जाएंगे और देखते हैं। जस्ट अभी हम लोग जस्ट आगे की तरफ जा रहे थे लेकिन मैप में देखा तो यहाँ पे ही है एंट्री जाना है। वैसे फ्रेंड्स ये यूनिक जगह है, फर्स्ट टाइम वैसे एंट्री कर रहा हूँ वहाँ पर और ऐसे मतलब माहौल भी अच्छा है, ड्रेस भी अच्छा है, झंडे वंडे लगा रखे हैं पूरे, तो चलते आगे फिलहाल देखते हैं। तो गाइस जस्ट 2 मिनट और हम लोग पहुँच गए वाले हैं अंधेरी का राजा, तो जस्ट अभी देखते हैं थोड़ा सा। तो गाइस फिलहाल देख रहे हो ये अंधेरी का राजा का बोर्ड, यहाँ पे आप लोग अभी देखो भीड़ वगैरह भी नहीं है ऐसा, और यहाँ से हम लोग जो है एंट्री मार सकते, अंदर की साइड जा सकते। तो जस्ट यहाँ से अभी अंदर चलते, यहाँ पे कुछ इस तरीके का व्यू है,
देख रहे हो मंडप शायद आगे की तरफ है, और अभी हम लोग जाके दर्शन वगैरह करेंगे। यहाँ पे देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से मतलब डेकोरेशन किया हुआ है, तो नाइट में ही अच्छा देखने को मिलेगा। अभी तो फिलहाल लाइट का इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से हम लोग लेफ्ट ले रहे हैं, तो भीड़ तो बहुत है, हम लोगों ने सोचा नहीं ऐसा मतलब भीड़ रहेगा। ये देखो यहाँ से आप देख सकते हो मतलब एक करके शायद अंदर जाने मिलेगा आपको। ये देखो ये कुछ व्यू है। तो गाइस फिलहाल तो यहाँ पे लाइन है, और विदाउट लाइन आप लोग एंटर नहीं कर पाओगे। आई होप सो कि हम लोग नहीं जा पाएंगे, क्योंकि हम लोग को दूसरी जगह जाना है। तो देख रहे हो अभी ये पूरा का पूरा लाइन अंदर जा चुके, अभी हम लोग भी जाएंगे। देख रहे हो फिलहाल कितना लाइन है, और जस्ट अभी हम लोग जाएंगे, कितना टाइम लगेगा पता नहीं कुछ। गाइस अभी देख रहे हो हम लोग जो है पहुँच चुके हैं एकदम नज़दीक में। हम लोग अभी थोड़ा सा आगे आ चुके हैं, और चप्पल उप्पल जो है वो रखना पड़ेगा। देख सकते हो अभी फिलहाल अंदर के साइड जाते हैं हम लोग, आप लोग दिखाते हैं अंदर का व्यू। देख रहे हो गाइस कितना मतलब भीड़ हो गया है, लाइन बहुत दूर तक हो गया है। अभी भी हम लोग जो है बाहर ही है, अभी अंदर जा रहे हैं, ले रहे हैं अभी अंदर। और गाइस अभी देखो हम लोग पहुँच चुके हैं अंदर के साइड में, और ये देखो अभी अंदर जा रहे हैं, दोस्त लोग भी आए हुए हैं देख सकते हो। और फिलहाल अभी अंदर जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे कुछ तरीके का बनाया है एकदम सेटअप जो है अंदर के साइड में, अच्छा बनाया है वैसे तो। ये देख सकते हो मतलब काफ़ी भीड़ भी नहीं थी, शिवाजी महाराज की मूर्ति यहाँ पे चढ़ा रहा है। अंदर के साइड में देखो कुछ इस तरीके से देखने को मिल रहा है, तो देखो यहाँ से अंदर जा सकते हो। देखो थोड़ा सा मैं दिखाता हूँ जूम करके, अभी अंदर चलेंगे हम लोग। ये देखो सेटअप पूरा जो है सामने से कुछ इस तरह मतलब अच्छा लग रहा है, सेटअप भी बहुत अच्छा बना है, डेकोरेशन तो बहुत अच्छा है। अंदर का भी डेकोरेशन देखेंगे अभी हम लोग। ये देखो अभी थोड़ा सा और आगे हम पहुँच चुके, जस्ट अभी अंदर जाएंगे। तो यहाँ पे एंट्री है, यहाँ से एंट्री मतलब एंट्री करना पड़ेगा, जो भीड़ बहुत अंदर ज़्यादा है, ज़्यादा भीड़ है। अभी फिलहाल आगे बाहर आके हम लोग देखेंगे, पहले अंदर चलते हैं, अंदर का डेकोरेशन देखते हैं। ये देखो भाई अंधेरी का राजा, अभी फिलहाल अभी अंदर ही चलेंगे हम लोग, अंदर का डेकोरेशन भी देखते हैं किस तरीके का। काफ़ी लोग आए हुए हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग जो है एंट्री मार चुके हैं यहाँ से अंदर की तरफ। जो देखो वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाया है, जो अंदर का डेकोरेटिव चीज़ किया हुआ है, डेकोरेशन किया हुआ है, काफ़ी अलग काफ़ी बेहतरीन। देखो इसमें पप्पा की मूर्ति जो है काफ़ी अच्छी लग रही है, और गाइस अल्टीमेट लेवल है यहाँ पे। देखो लोगों का क्रेज देखो यहाँ पे, लोगों की भीड़ कितनी ज़्यादा है यहाँ पे, और दर्शन के लिए लोग लाइन लगा के आ रहे हैं। हम लोग भी अभी लाइन लगा के जो है अंदर की साइड आए, काफ़ी अच्छा लगा गाइस देख के। काफ़ी देखो इस साइड से लाइन लगा के आपको अंदर जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह है और बैठ सकते हो मतलब ठीक है। सामने देखो बप्पा की मूर्ति तो बताया मैंने, जैसे कि यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह है, आप बैठ सकते हो, थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो, और प्रसाद वगैरह लेके फिर आप जा सकते हो यहाँ से। तो आई होप सो कि आप लोग अच्छा लगेगा। तो ये अंधेरी के साइड में गाइस अंधेरी का राजा है ये, और काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी ब्यूटीफुल मोमेंट था जो ये, काफ़ी जो डेकोरेशन का भी काफ़ी अच्छा किया हुआ है जैसे कि बताया मैंने। यहाँ से अभी हम लोग जो है अंदर की साइड जा रहे हैं और दर्शन करेंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से। तो यहाँ से थोड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आप लोगों को, बप्पा की मूर्ति, बप्पा जो है, और यहाँ से अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो यहाँ से देखो यहाँ से जाना पड़ेगा, और वहाँ ठीक सामने जो है वहाँ जाएंगे हम पैर पढ़ के, फिर निकलेंगे यहाँ से। देख सकते हो अलग ही लेवल है यहाँ पे लोगों का। अभी हम लोग जा रहे हैं अंदर की साइड में, तो यहाँ से फिर हम लोग निकलेंगे। देखो काफ़ी लोग आए हुए हैं गाइस, काफ़ी लोग हैं, और देखो गाइस अभी फिलहाल हम लोग जो है यहाँ से देख रहे हैं, तो कुछ व्यू देखो कैसे चल रहा है। थैंक यू देने के लिए आपको।
तो देख रहे हो यहाँ पे कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है। पूरा डेकोरेशन अंदर का भी देखे हम लोग, बारिश भी आ रही है, अभी हम लोग भी निकल रहे और अच्छा लगा। एरिया भी बहुत ब्लड काफ़ी अच्छा लगा। सेटअप जो बनाया वो पूरा बहुत अच्छा है। देखो फिलहाल अभी हम लोग निकलते हैं लालबाग वाले के यहाँ, देखते हैं वहाँ पे। वैसे तो निकल चुकी होगी मूर्ति, लेकिन हम लोग देखते हैं कहाँ तक पहुँचे हैं। बारिश का तो पूरा मौसम बन जाए, भीग जाएंगे लगता है। अभी फिलहाल हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और चलो फिर गिरगांव चौपाटी वाले में। तो गाइस देखो बारिश भी आ रही है और हम लोग निकल चुके हैं, दोस्त लोग छोड़ दिए थे, तो अभी जस्ट देखते हैं अभी वहाँ पहुँचते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, वीडियो वो लोग सुनते हैं मौसम कैसा हो गया, तो बिजली कड़क रही है। तो फ्रेंड्स आप लोग आ सकते हो यहाँ से, मुझे बताया कि हम लोग ने कैसे कैसे हम लोग आए। आप लोग बस से अंधेरे उतर सकते हो, अंधेरे से वेस्ट साइड में जो है आ सकते हो, ठीक है। ब्रिज के साइड में ही है, दूर नहीं, आप लोकेशन सुन रहे हो, आप अंधेरे से आ जाओ तो आप लोग मिल जाएगा। और काफ़ी दिन रहने वाले पप्पा तो आप लोग आ सकते हो। फिलहाल अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। अकेला करते रहो, करते रहो, चैनल को शेयर करते रहो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक गुड बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।